दोस्तों 29 जून को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है और वह वृषभ से मिथुन राशि में पहुंचेगा। मिथुन राशि में पहले से ही राहु और सूर्य विराजमान हैं। व्यक्ति के जीवन में प्रेम तथा लाभ के लिए शुक्र ग्रह महत्वपूर्ण होता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। अब मिथुन राशि में शुक्र, सूर्य और राहु के एक साथ आ जाने से सभी 12 राशियों पर कोई ना कोई असर जरूर होगा। आइए जानते हैं शुक्र ग्रह के गोचर से किस राशि को सबसे ज्यादा लाभ होगा और किसको नुकसान पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए शुक्र का ये गोचर सफलता के साथ धन योग भी बना रहा है। इस दौरान आपको खुद पर गर्व होगा। आप में सहयोग की भावना बढ़ेगी। काम काज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है जो सफल रहेगी। वृषभ राशि से ही शुक्र निकलकर मिथुन राशि में जा रहा है। आपके बातचीत के कौशल में बेहतरी आएगी। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी आप कुछ अच्छे आइडिया सोच सकते हैं। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। शुक्र के इस गोचर से पार्टनर के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। मिथुन राशि। शुक्र का ये गोचर मिथुन राशि में ही होने वाला है। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक अपनी जिंदगी में लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहे थे उनका वो सब्र पूरा होगा। आपकी जिंदगी में कोई खास आ सकता है और आप उम्र की सीमा की परवाह भी नहीं करेंगे। कर्क राशि। इस गोचर से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। संभावना है कि ये खर्च आपके भले के लिए ही होंगे। घर में अच्छा माहौल रहेगा। धन की वजह से यदि आपका कोई काम रुका हुआ था तो वो बाधा दूर हो सकती है। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर लाभदायक रहेगा। आपके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी। आपके खर्चों में कमी आएगी जिससे आप बचत करने में कामयाब हो पाएंगे। परिवार का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी समय अनुकूल रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस दौरान अपने काम काज पर ध्यान देने की जरूरत है। दफ्तर में अपने काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको सफलता हासिल करने के लिए फोकस के साथ दृढ़ निश्चय की जरूरत है। कामयाबी पाने के लिए आपको आलस त्यागना होगा। रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा। आपको धन लाभ के भी अवसर मिल सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सौभाग्यशाली समय की शुरुआत हो सकती है, मगर सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने की गलती ना करें। भाग्य का साथ भी तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। लव लाइफ में पार्टनर का साथ मिलेगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। आप जीवन साथी की सेहत को लेकर परेशान रह सकते हैं। मानसिक तौर पर भी दबाव महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मानसिक शांति के लिए आप ध्यान और योग का सहारा लें। आप फैसले लेते समय सहज महसूस नहीं करेंगे और आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। धनुराशि। इस गोचर से आपके पार्टनर की इच्छा शक्ति पर असर पड़ सकता है। संभावना है कि आपको उनका सहयोग ना मिले। काम काज के क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी रहेगी। सेहत के लिहाज से समय ठीक रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातक संभल कर रहे। आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। आप बच्चों के भविष्य की चिंता से परेशान रहेंगे। धन का प्रवाह धीमा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में फोकस करने की जरूरत है। लोगों को आपकी खामियां ढूंढने का मौका ना दें। कुंभ राशि। इस राशि के लोगों को नाम और शोहरत मिल सकती है। धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आप खुद को एक राजा की तरह समझ सकते हैं। आप ज्यादा पाने की उम्मीद करेंगे। इस दौरान आप थोड़ी सी मेहनत करके बड़ा लाभ कमा सकते हैं। रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। मीन राशि। आपको अपनी माँ की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप काफी समय से घर या वाहन खरीदने का सपना देख रहे थे तो आपके लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है, लेकिन संभावना है कि वो उम्मीद के अनुरूप नहीं होगी। यात्रा करने से बचें। अगर सफर करना ही पड़े तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। तो ये थे दोस्तों शुक्र गोचर फल।